अस्सलाम वालेकुम बेटा। पास पेपर सॉल्व करेंगे अब, और पास पेपर में आपके पास जो बुक मैंने दी हुई है उस बुक में आप ये पेज नंबर 324 निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 24 है, मई जून 8, पेपर 2, क्वेश्चन 6। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था रिलेटेड टू पावर, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब एक्चुअली यहाँ पर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ थ्री सिमिलर हीटिंग एलिमेंट्स ए बी एंड सी कनेक्टेड एज शोन इन फिगर 6.1। ईच हीटिंग एलिमेंट इज रेटेड एट 1.5 किलो वोल्ट 240 वोल्ट सप्लाई, मतलब हर एक ईट एलिमेंट की जो पावर है वो 1.5 किलो वॉट है। मीन्स ये भी 1.5 किलो वॉट है, ये भी 1.5 किलो वॉट है, और ये भी 1.5 किलो वॉट है, और इसकी रिक्वायरमेंट है 240 वोल्ट। इसको भी 240 वोल्ट चाहिए, इसको भी 240 वोल्ट चाहिए, इसको भी 240 वोल्ट चाहिए। मे बी एज्यूम टू हैव अ कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस। द सर्किट इज कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट मेन सप्लाई। सर्किट जो है वो 240 वोल्ट मेन सप्लाई से कनेक्टेड है। सबसे पहले आपसे कहा उसने कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट। एक हीटिंग एलिमेंट की उसे रेजिस्टेंस बतानी है। पावर का फॉर्मूला देखो, पावर और वोल्टेज तुम्हें दिया हुआ है इंडिविजुअल कंपोनेंट का। मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, पावर का फॉर्मूला मैं तुम्हें बता चुका हूँ, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। एक फॉर्मूला है, यहाँ से आर की वैल्यू हो गई वी स्क्वायर अपॉन पी। वोल्टेज है 240 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर है आपके पास 1.5 kW, का मतलब किलो वॉट। किलो वॉट को कन्वर्ट कर दें 1500 बन जाएगा। 240 के स्क्वायर को इससे डिवाइड करें तो देखें आंसर कितना आ रहा है। ये आपके पास आंसर आएगा 38.4। ये 38.4 तुम्हारे पास आंसर आ गया। अब आगे चलें, नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि द स्विचेस S1, S2, S3 मे बी ओपन्ड और क्लोज्ड। कंप्लीट 6.2 टू शो द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द हीटर फॉर स्विचेस इन द पोजिशन इंडिकेटेड। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा S1 ओपन है। ये S1 ओपन है जो मेन बैटरी से कनेक्टेड है। देखो, अगर जब मेन बैटरी से कनेक्शन ही ओपन है तो मतलब ये तीनों ही ऑफ होंगे। जब तीनों ऑफ होंगे तो टोटल पावर इसमें जा ही नहीं रही, तो डायरेक्ट आप लिख दें जीरो। बाकी दो के क्लोज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेन बैटरी से जो स्विच है वही स्विच ओपन है तो फिर आगे वर्किंग यूजलेस है, आप डायरेक्ट ही कह देंगे कि जीरो है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, फिर वो कह रहा है कि S1 क्लोज्ड है। अब इस S1 को इसने क्लोज कर दिया है। S1 क्लोज है, S2 भी क्लोज्ड है, S2 क्लोज्ड है, और S3 ओपन है। S3 ओपन है इसका मतलब S3 डिसकनेक्टेड है। S3 ओपन का मतलब डिसकनेक्टेड, ये डिसकनेक्टेड है। अगर S3 डिसकनेक्टेड है तो इसका मतलब इस वाले सी हीटर में तो जाएगी नहीं पावर, इसमें तो होगी नहीं क्योंकि ये डिसकनेक्ट हुआ हुआ है। अगर ए और बी में बात करें तो ए बी को उसने क्लोज कर दिया। अगर ए बी को क्लोज कर दिया तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई यहाँ से जो करंट आएगा वो तो यहाँ से फ्लो कर जाएगा, क्योंकि बी हीटर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। जब बी हीटर शॉर्ट सर्किट हो गया तो आप कहेंगे करंट यहाँ से आएगा और यहाँ से फ्लो करके एज इट इज निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये क्लोज है, यहाँ से करंट आता है इस पाव ए में से पास होता है और बी को शॉर्ट सर्किट कर देता है, तो बी में से पास नहीं होता है, यहाँ से निकल के वापस चला जाएगा क्योंकि ये S3 भी ओपन है। तो आप कहेंगे इसका आंसर है सिर्फ इसमें फ्लो हो रहा है, तो ये आंसर है 1.5 किलो वॉट। ये 1.5 किलो वॉट है। थर्ड वाले में देखें, क्लोज्ड, क्लोज्ड और क्लोज्ड, तीनों क्लोज्ड हैं। अब इसको क्लोज कर दिया मैंने, ये भी क्लोज्ड है और अब ये भी क्लोज्ड है। अगर ये तीनों क्लोज्ड हैं तो बेसिकली सिचुएशन अब ये है कि मेरे पास जो ये मेन लाइन से आ रहा है वो ये एक ए है और यहाँ से ये इस तरह से फ्लो कर जाएगा और ये तुम्हारे पास एक सी है। इस डायग्राम को समझना तो बेसिकली आप कहेंगे ये ऐसे बैटरी से कनेक्टेड है। तो क्योंकि S2 ने क्लोज कर दिया तो इसका मतलब B शॉर्ट सर्किट हो गया। जब B शॉर्ट सर्किट हो गया तो B में तो कुछ फ्लो नहीं करेगा,
करंट तो यहाँ से फ्लो करेगा, और जब करंट यहाँ से वापस जाएगा और ये वापस सी में फ्लो करेगा, क्योंकि सी भी क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब होता है करंट यहाँ से फ्लो करेगा, तो जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो पावर यहाँ कंज्यूम होगी। तो अब ये 1.5 किलोवाट है और ये 1.5 किलोवाट है। प्रीवियस वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पैरेलल में पावर हमेशा सिंपली ऐड होती है। तो यहाँ पर आप इसकी पावर ए और इसकी पावर सी को ऐड करोगे तो टोटल आ गया तुम्हारे पास 3 किलोवाट। बी शॉर्ट सर्किट हो गया, ये दोनों पावर पैरेलल में हैं। पैरेलल में पावर के लिए प्रीवियस वाली वीडियो से तुमने अपने पास रजिस्टर पे नोट कर लिया होगा कि पैरेलल में पावर सिंपली ऐड होगी, तो तुमने दोनों पावर्स को ऐड किया, दैट इज 3 किलोवाट, आपने यहां लिख दिया 3 किलोवाट। थर्ड वाले केस में कह रहा है भाई S1 क्लोज है, बाकी दोनों ओपन है। अगर ये दोनों ओपन है तो देखो अब सिचुएशन ये होगी कि यहां से जो जाएगा वो ए 1.5 किलोवाट में से जाएगा, बी 1.5 किलोवाट में से करंट जाएगा और यहां से वापस आ जाएगा। अब यहां सी में नहीं जाएगा क्योंकि उसने कहा था कि सी को इस वाले केस में उसने क्लोज करने के बाद दोनों को ओपन कर दिया। S2 और S3 दोनों ओपन है। अब S3 अगर ओपन है और S3 यहां लगा हुआ है इसके बीच में और ये S3 है, अगर S3 को इसने ओपन कर दिया तो ये डिसकनेक्टेड है। अगर ये डिसकनेक्टेड है तो इसका मतलब ये ऑफ हो गया, यहां तो नहीं जा रहा, अब तो बस यहां से फ्लो करके यहां ये निकल जाएगा। जब यहां ये निकल जाएगा, यहां ये इसलिए निकल रहा है क्योंकि उसने कहा है कि भाई ये वाला भी S2 भी ओपन है, और S2 ओपन का मतलब ये डिसकनेक्ट अगर हुआ हुआ है तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, इसमें तो नहीं जाएगा, ये डिसकनेक्ट है। जब इन दोनों में से जाएगा तो इन दोनों में से करंट फ्लो हो रहा है तो ये दोनों एक्टिव हैं। जब ये दोनों एक्टिव हैं तो अब ये सीरीज है। सीरीज के लिए बेटा पावर का मैंने फॉर्मूला बताया 1/1.5 और +1/1.5। इसका जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर 1.5 आ गया, न्यूमरेटर में 1+1, तो ये 2/1.5 1/p है, तो p की वैल्यू होगी 1.5 डिवाइडेड बाय 2। जब कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे 1.5 डिवाइडेड बाय 2 तो कैलकुलेटर पे करके देख लेना, 1.5 डिवाइडेड बाय 2 का आपको वो आंसर देगा बेसिकली 0.75। तो ये आ गया 0.75 किलोवाट, तुमने यहां लिख दिया 0.75 किलोवाट। लास्ट वाले केस में देखें तो क्लोज है ओपन है, क्लोज है क्लोज है ओपन है क्लोज है। अगर क्लोज्ड ओपन और क्लोज है तो इस केस में ये वाला क्लोज है, सेकंड वाला ओपन है, इसका मतलब ये डिस्कनेक्ट है तो यहां से जाएगा करंट, और लास्ट वाला भी क्लोज है, इसका मतलब ये अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो फिर अब ये भी एक्टिव हो गया, ये भी एक्टिव हो गया और ये भी एक्टिव हो गया। तो सिचुएशन ये बनी कि यहां और यहां पर ये दोनों आपस में 1.5 किलोवाट 1.5 किलोवाट ये दोनों सीरीज में हैं और इसके साथ ये 1.5 किलोवाट पैरेलल में है। अब ये इक्वेशन आपके पास बनी है, डायग्राम सॉरी ये बनी है। अब इसकी टोटल पावर कैलकुलेट करनी है। इन इसकी टोटल पावर कैलकुलेट करने के लिए आप पहले इन दो को आपस में सीरीज की तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे प्रीवियस वाले पार्ट में हमने सॉल्व किया था यहां पर, और इसकी आंसर आई थी दोनों को सीरीज में सॉल्व करने पर, यहां पर इसका आंसर आया था पावर का 0.75। अब देखो ये पावर किलोवाट ऊपर आ गया और ये नीचे वाला इन दो के साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल में टोटल पावर जो है वो ऐड होगी। इसको P1 कह रहा हूं, फॉर एग्जांपल इसकी पावर तुमने निकाल ली थी 0.75 और नीचे वाले की पावर है 1.5। जब इन दोनों को ऐड करोगे 1.5 और 0.75 ये बेटा आंसर आएगा 2.25 किलोवाट। तो आप यहां लिख देंगे 2.25 किलोवाट। ये समझ लें, एक्चुअली ये आपके पास पावर की कैलकुलेशन होती है कि अगर तुम्हारे पास करंट भी नहीं है और वोल्टेज भी नहीं है तो हम डायरेक्टली पावर कैसे सॉल्व करेंगे। इसी सीरीज का मतलब इसी बुक का क्वेश्चन नंबर 21 है। मीनवाइल आप ये पूरा कॉपी करने के बाद क्वेश्चन नंबर 21 को ट्राई करें और 21 को सॉल्व करके मुझे बताएं कि वो आपसे पावर वाले केसेस हो रहे हैं या नहीं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो पे आता हूं।